थोड़ी क्या, आपका परिचय थोड़ा देंगे क्या? मेरा कोई परिचय नहीं। नहीं क्यों नहीं परिचय देंगे? आप अभी बोल रहे हैं कि मैं गोवर्धन मठ से आया हूँ मथुरा से, फिर अभी बोल रहे हैं कि आप परिचय नहीं देंगे, तो फिर ये क्या बात हुआ? आप प्रूफ दिखाइए। परिचय आप उन लोगों से ही ले लो जो लोग दे रहे हैं। नहीं वो लोग नहीं दे रहे हैं, हम आपसे आपका परिचय हम आपसे लेंगे, हम कैसे दूसरे से ले पाएंगे? सर बोल दीजिए ना, सर आप बोलिए, आप शंकराचार्य हैं कि कौन है, आप बोल दीजिए। हम तसल्ली दे रहे हैं तब से कि आप शंकराचार्य हैं। आप जो भी है आप बोल दीजिए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप हम और अध्यक्ष आनंद है, आप पूरी पीठ के शंकराचार्य के नाम पर, अरे भाई ये प्रोटोकॉल चिट्ठी बना के ओडिशा आए हैं, ये प्रोटोकॉल चिट्ठी बना के ओडिशा आए हैं। आप क्या घूम रहे हैं? आपको तो ओडिशा माना था, आपको तो ओडिशा पूरा माना था, आप क्यों भी भगवती के पास गए थे शंकराचार्य के रूप में? हो आप थोड़ा रुकिए ना, इनका हम पूछते हैं, हम पूछते हैं, आप रुकिए, आप लोग देख ही रहे हैं अराजकता का माहौल है। कैसे अराजक, मैं खड़ा हूँ, आप सटा कर लेंगे बात कर, आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे अराजकता का माहौल कायम किया जा रहा है सड़क में, यातायात को प्रभावित किया जा रहा है। हम यहाँ मंदिर दर्शन करने आया हूँ, मैं तो यहाँ कोई प्रोसेशन नहीं निकाल रहा, कोई बोर्ड बैनर नहीं लगा रहा, ना मैं कोई अनाउंसमेंट कर रहा। अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ से लोग आके हल्ला मचा रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो जो जो बातें हैं ही नहीं, फिजूल में अराजकता फैलाई जा रही है। कोई गो बैक नहीं, मैं एक दिन के लिए आया हूँ और इन बातों से प्रभावित नहीं होता। हम एक दिन के लिए उड़ीसा में दर्शन करने आया हूँ। आपका नाम पूछ रहे हैं और परिचय पूछ रहे हैं, परिचय नहीं दे रहे हैं, दे दीजिए हमको, उसमें क्या हो जाता है? 30 वर्ष है हमको निर्यातना दोजी, ये बदमाश, ये शैतान, ये पाजी, 30 साल से हमको ऐसे दंड दे रहे हैं। आपका परिचय दीजिए, आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम स्वामी अधोक्षिजानंद देव तीर्थ है। अच्छा ठीक है, और स्वामी परिचय अपने आप में बड़ा है, नाम हो गया ना, हो गया। लेकिन आप एक चीज है कि अधोक्षिजानंद स्वामी जी को बहुत साल पहले कोर्ट ने मना किया था कि तड़ीपार होने का भी था, वही अधोक्षिजानंद है क्या आप? हाँ वही है, वही अधोक्षिजानंद है। बात करने अरे अरे भाई अपने सुनो तो, इन सब बातों से कोई फायदा है? नहीं कोई फायदा नहीं, सही बात है। अराजकता कोई भी कहीं भी करे अच्छा नहीं। आपको मना था, आप क्यों आए? हमें कोई मना नहीं है, ओनली गोवर्धन जाने के लिए मना है। हाँ इतना ही रेस्ट्रिक्शन। उस समय एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें उस समय भी ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोगों ने हल्ला मचाया कि यही सब बातें, और बोला इन्हें पूरी से रोक दिया जाए। नहीं, कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि किसी को पूरी में रोका नहीं जा सकता, ये नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिन बातों से तनाव होता है वो पूरी में रह करके अमुक अमुक गतिविधि नहीं करेंगे, जैसे हजार सम्मेलन नहीं करेंगे। नहीं, गोवर्धन मठ के अंदर में 1000 मीटर ज्यादा दूर से आपको रहना पड़ेगा। हाँ, ऑर्डर है कि संबंधित भाई आप बड़े बड़े से बाहर हो, कहीं बाहर ये अच्छा। आप एक बात बोलिए, आप बहुत जगह वही पूरी शंकराचार्य के नाम पे आप परिचित होते हैं, क्या ये बात सच है? हमको सुनने में आ रहा है ऐसा है, पूरे देश में हम घूमते हैं और विदेश में भी घूमते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। शंकराचार्य अनेक हैं, चार मठ हैं, उसके बाद उपमठ भी हैं और अन्य मठ भी हैं, और शंकराचार्य तो बहुत हैं, उनको काशी विद्वत प्रसिद्ध बनाते हैं। सनातन, आप बोल रहे हैं कि आप सनातनी है, और सनातनी के हिसाब से तो सिर्फ हमको चार ही मठ का है जो कि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य ने बनाए थे। ये कहाँ से आए? ये भैया ऐसा है कि एक कोर्ट का भी लंबा मसला है, 40-40 सालों से कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, 40-40 सालों से तमाम मठों में मुकदमे चल रहे हैं, उनका निस्तारण नहीं हुआ, 40-40 सालों से तमाम अन्य मठों में भी मुकदमे चल रहे हैं, निस्तारण नहीं हुआ। पहले दूसरी बात ये कि मठाम नाय महानुशासन हम लोगों का ग्रंथ है और विद्युत परिषद उसमें अहम रोल निभाता है काशी का, ठीक है। तो ये सब बातें जो उलझ गई हैं, ये शास्त्रार्थ की बातें हैं और अदालती बातें हैं,
सड़क में उसका नहीं हो सकता। अच्छा, आप एक सड़क में जारा जकता करना ये किसी साधु का या साधु के अनुयायियों का व्यवहार उचित नहीं है। सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर दे दीजिए, आप तो फिर पूरी का शंकराचार्य का दावेदार आप होते हैं क्या? जो कोर्ट में बातें आएंगी, कोर्ट ने हमारे लिए रास्ता बंद नहीं किया। कोर्ट ने कहा है जिसको तकलीफ है वो सिविल कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। जिसको तकलीफ है, शक है, वो लोअर कोर्ट में जाए। लोअर कोर्ट में कोई पक्ष नहीं गया, ठीक है। अब जिसको तकलीफ उसे जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ कहाँ पर जाना है, आपका इरादा है, प्लान है? हमारा, मैं तो सुबह आया हूँ, शाम को मेरा टिकट है। कहाँ पर जाएंगे? जाएंगे दिल्ली जाएंगे। हाँ, उनके कहने से क्यों मैं कहूँ, किसी कहने से क्यों कहूँ। हमारा कार्यक्रम अपना है, हम अपने कार्यक्रम पर चल रहे हैं। हमें धर्म का प्रचार करना है, वैदिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, देश को समृद्ध करना है। ये फिजूल की बातें सुनना और करना दोनों ही व्यर्थ है। हमारे जो उड़ीसा में जो शंकराचार्य हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी शंकराचार्य हूँ। फिर आप जो शंकराचार्य हैं, आप कौन से मठ से, आप कौन से मठ से आए हुए बाबा, बोलिए पूरा सीधा सा। हो गया, आप हो गया, पूरा सारा उड़ीसा को बता दीजिए आप कौन है। एक शंकराचार्य हमारे जो जगत गुरु जी है वो है, लेकिन आप भी दादा 30 साल से कर रहे हैं कि आप भी शंकराचार्य हैं, तो आप कौन सा मठ का शंकराचार्य कर रहे हैं ना? 30 साल से देश मान रहा है ना, धर्म प्रचार चल रहा है ना, तो हमें कोई अड़चन नहीं है। जिसको अड़चन है वो जाए जहाँ जाना है। आप शंकराचार्य तो फिर है? मैं तो कुछ बोला नहीं अभी, मैं तो पूजा पाठ के लिए आया हूँ। हमारा मठ है, हमारा आश्रम है, अपना गतिविधि चला रहे हैं। किसी से क्यों कहना है, सबके अपने अपने अनुयायी हैं। एक बात सुन लीजिए, ये भारतवर्ष है और सभी अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए सभी गुरु हैं और सभी जगत गुरु हैं। आप गाड़ी से बाहर क्यों निकल? क्यों आना है गाड़ी के बाहर? अगर सारा उड़ीसा आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबा? नहीं, वो मना कर रहे हैं, वो शंकराचार्य है नहीं। अच्छा, आपको आप एक ही बात के लिए क्लियर कीजिए कि आप शंकराचार्य नहीं है। आप सीधी सी बात बोलिए ना, आप पूरी के शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य है का? उसको बोलने दीजिए। आप कहाँ का शंकराचार्य बोलिए? मैं बोल रहा हूँ कि प्रातः काल हम ट्रेन से आए, हमारा एक निर्धारित कार्यक्रम है। मैं यहाँ कोई मजमा सवाल है, आप कहाँ का शंकराचार्य बोलिए बताइए। शंकराचार्य पूरे विश्व का होता है, प्राणी मात्र का होता है। आदि गुरु एक ही शंकराचार्य हुआ है जो आज से 2500 साल पहले हुआ है, वही शंकराचार्य हैं, बाकी सब उनके अनुयायी हैं। वो लोग क्या नकली है? असली नकली का सवाल नहीं है ये, कोई असली यहाँ तो असली नकली का सवाल चल रहा है। आप रखिए ना, मैं कर रहा हूँ बात। ये कोई सोना चांदी हीरा मोती तो नहीं है, नहीं है कि मशीन लगा लो टेस्ट कर लो। असली नकली जो त्यागमय जीवन जिए, आदि शंकराचार्य के अनुगमन चार धाम में चार शंकराचार्य, उनका ऊपर क्या बोलेंगे आप? कई बातें देखो कोर्ट में हो चुकी है। अरे ये कोर्ट का मसला कहाँ से आया? पीठ तो है। आप क्लियर कर दीजिए ना अपनी तरफ से, कहाँ पूरी का जो शंकराचार्य आपकी तरफ से पूरा क्लियर कीजिए ना बाबा, सारा उड़ीसा देखने के लिए बेताब है कि आप कौन है। जो कोर्ट का मसला बोल रहे हैं, कोर्ट तो आपको तड़ी पार निर्देश दिया है। यह झूठ है, कोर्ट ने हमको तड़ी पार नहीं किया, प्रशासन ने हमारे खिलाफ 144 लगाया था। सारा इंडियन, अरे भैया वो बोल रहे हैं ना, तुम खुद क्यों बोल रहे हो? तुम तो प्रेस वाले हो। हाँ, तो मुझे लगता है कि काफी ड्रामा हो गया, लोगों को परेशानी हो रही होगी, तो अब दर्शन वर्शन करा दीजिए। कुछ क्लियर नहीं हुआ? मत छोड़ने दो, क्लियर होगा भी नहीं बाबा। हाँ, खाली एक चीज है कि सारा जो इंडिया है ना, हाँ, वो भी लाइव देख रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कौन है, आपका एक्चुअल परिचय क्या है, मैं पूछना चाहते हैं हम लोग, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप कौन है, वही जानना चाहते हैं। मैं है शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ, ठीक है, लाइव वालों को दिखा दो। मैं है शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ। आप भी शंकराचार्य तो फिर है? कौन सा फिर पीठ का शंकराचार्य, कहाँ का शंकराचार्य है? सारा लोग आप ही कर लेंगे तो अदालतें और जो विद्युत परिषद और संगठन कहाँ जाएंगे? कुछ अदालतों पर छोड़ो, कुछ जो है हमारी व्यवस्थाओं पर छोड़ो,
विद्युत परिषद जो हम लोग होता है उस पर छोड़ो, जो अपने आप को दुखी मानते हैं हमसे, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हम ना डरते हैं और ना परवाह करते हैं, हम अपने रास्ते पर न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अराजकता पर माहौल बंद कराना चाहिए उनके उनके मुखिया लोगों को, जो लोगों को बहकाते हैं और रास्ते में हंगामा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये निंदनीय कार्य है, हम इसकी निंदा करते हैं। धर्म के मुखियाओं को, धर्म के जो सर्वे सर्वा हैं, उनको धर्म के अनुरूप कार्य करना है, ये धर्मानुरूप कार्य नहीं है। यदि उनके पास नीति है, न्याय है, बल है, कानून है, तो कानून सम्मत कार्य करें।